हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपसे बात करने वाले हैं महाराष्ट्र में MHT-CET के एग्ज़ाम के बारे में। तो जो भी स्टूडेंट्स MHT-CET की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं कि क्या डेट है, क्या क्राइटेरिया है। तो आप MHT के लिए आप MBA, ठीक है, इनकी तैयारी कर सकते हैं आप। तो सारे एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। यदि आप MHT-CET की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो देखिए बी, ठीक है, आप BTEC की तैयारी कर सकते हैं, बी फार्मा एग्रीकल्चर कोर्स की तैयारी कर सकते हैं आप लोग। तो आपके फॉर्म की डेट आ चुकी है बच्चों, आप इस पर क्लिक करके अपने कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक आपको सेंड कर देंगे, आप ये देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर टोल फ्री नंबर भी दिए हुए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, आप अप्लाई भी कर सकते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। यदि आप MHT-CET की बात करेंगे तो एग्रीकल्चर के सभी स्टूडेंट्स इसको दे सकते हैं, मैथ्स बायो के स्टूडेंट्स दे सकते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स दे सकते हैं बच्चों। तो आपका देखिए 12/8/2021 से फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो चुके हैं, जो 16/8 तक चलेंगे, मतलब आपको 1 वीक का समय दिया गया है। तो आप इस फॉर्म को कर सकते हैं, साथ ही साथ में यदि उसमें हम क्या कर सकते हैं बच्चों, एडिटिंग कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, नाम, फोटो, साइन, एग्ज़ाम सेंटर यदि आपको चेंज करना है तो आप 14 से लेकर 16 तक करेक्शन कर सकते हैं। तो बहुत कम समय बचा हुआ है बच्चों, ये नोटिफिकेशन आई हुई है। यदि आपको सिलेबस से रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो हम सिलेबस से रिगार्डिंग भी वीडियो बना देंगे। तो आप सभी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स, मैथ्स बायो के स्टूडेंट्स इन सभी फॉर्मों को फिल कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, जो नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ था, देखिए बच्चों ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ था MHT-CET का, तो आप इस नोटिफिकेशन को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए बच्चों, ये एग्ज़ाम डेट आपको मिल जाएगी, रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट हो चुकी है आपकी, ठीक है। ये पुराना था जिसमें करेक्शन हो चुका है, ठीक है। ऑफिशियल डेट जो आई है बच्चों आपकी, वो अभी आ चुकी है, फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। यदि आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो ये आप यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही क्लिक करेंगे बच्चों, तो आपके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखिए, ठीक है, आप किस कैटेगरी वाइज हैं सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। ऑफिशियल लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देखिए फॉर्म फिल कर सकते हैं आप लोग। ये देखिए बच्चों, आप अपना कैंडिडेट का नाम, सारी जानकारी इसमें क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। देखिए फॉर्म फिल करने का है पूरा, तो आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स MHT-CET की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसका फॉर्म ज़रूर भरें और आपको महाराष्ट्र के कॉलेज मिलेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द बनाकर देंगे सिलेबस से बेस्ड। तो जिन बच्चों को यदि MHT-CET का फॉर्म फिल करना है तो सभी स्टूडेंट्स MHT-CET का फॉर्म भी फिल कर सकते हैं, जिसमें आपको BTEC के लिए, वी फार्मा के लिए और एग्रीकल्चर BSc के लिए आपको महाराष्ट्र के कॉलेज मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।